15,000 साल से भी पहले की बात है, हिमालय के ऊपरी इलाकों में एक योगी प्रकट हुए। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आए हैं। उनके पूर्वजों के बारे में भी लोग अनजान थे, लेकिन वो बड़े अद्भुत थे, इसलिए लोग उनके आसपास जमा होने लगे। उन्हें किसी चमत्कार की उम्मीद थी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो बस यूं ही बैठे रहे, बिल्कुल स्थिर। सिर्फ 7 लोग ही वहां रुके रहे। ये 7 लोग समझ गए कि बस यूं ही बैठे रहना अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि ऐसा तभी संभव है जब कोई इंसान अपनी भौतिक प्रकृति से परे चला जाए। उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, आपके पास जरूर कोई ऐसा ज्ञान और अनुभव है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कृपया हमें भी सिखाइए। योगी ने तैयारी के लिए उन्हें कुछ साधना दी और कहा, तुम लोग खुद को तैयार करो। वो लोग तैयारी करने लगे। महीने सालों में बदल और साल दशकों में, इस तरह 84 साल बीत गए। एक दिन उन्होंने देखा कि ये 7 लोग दमक रहे थे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित पात्र बन चुके थे। मानवता को पहली बार यह याद दिलाया गया कि प्रकृति के नियम आपको हमेशा के लिए बांध कर नहीं रख सकते। अगर आप कोशिश करते हैं तो आप इन नियमों के परे जा सकते हैं। उन्होंने वहां तक पहुंचने के तरीके भी बताए। उन्होंने कभी अपना परिचय नहीं दिया था, कोई उनका नाम भी नहीं जानता था, तो उन 7 ने उन्हें आदि योगी कहकर पुकारा। आदि योगी यानी पहले योगी।